राधे राधे मित्रों, आज आपके लिए मैं ये प्यारी सी दो रंग की ठाकुर जी की ड्रेस लेकर आई हूँ और ये मैंने इसकी कैप बनाई है। ये मैंने मर्जेंटा और क्रीम कलर में बनाई है। ये 4 और 5 नंबर की ठाकुर जी को बड़े आराम से आ जाएगी। इसको बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये 18 फलियाँ बनाई हैं और फिर मैंने तीसरी फली में क्रोशिया डाला, डबल फली वाली। ये मैंने 18 फलियाँ बनाई। दूसरी लाइन में मैंने पहली चेन में सिंगल फली और बाकी हर चेन में डबल डबल फली बनाई है। इसके बाद मैंने यहाँ पर तीसरी लाइन में पहली चेन में एक फली, फिर दूसरी में भी एक फली, और ऐसे 3 बार 3 चेन में एक एक फली और उसके बाद 2 फली, 3 बार एक फली और चौथी चेन में 2 फली। इस तरह ये 3 लाइनें पूरी करी हैं। फिर मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ सिंगल सिंगल फलियाँ बनाई हैं हर चेन में और 8 ही यहाँ पर छोड़े हैं। और मैंने पीछे 15 फली बनाई हैं और 8 यहाँ पर छोड़े हैं और फिर 8 फली यहाँ पर बनाई है। इसके बाद मैंने ये हर एक फली में एक एक फली बनाई है और अब मैंने ये डिज़ाइन डालना शुरू करा है। ये डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये चौली मैंने इस तरह तैयार कर रखी है। ये मैंने कुछ छोटी चौली तैयार करी है। ये मैं डिज़ाइन आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें एक 2 चेन बनाई, फिर मैंने एक ऐसे ऐसे फली बनाई, उसके बाद 1 2 3 4 5 चेन, फिर मैंने यहाँ पे 2 चेन छोड़ी और एक ऐसे फली बनाई ऐसे, फिर 1 2 3 4 5, फिर 2 चेन छोड़ी और फिर यहाँ पर एक फली, ये 1 2 3 4 5, ऐसे 2 2 चेन छोड़ते हुए मैंने तीसरी चेन में एक एक फली बनाई है। ऐसे आपको ये पूरी लाइन पूरी करनी है। देखो, अब 1 2 3 4 5, अब फिर मैंने इसमें ये यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ देना लास्ट में। अब ये देखो, अब आपको यहाँ पे देखो, जो आपकी पहले वाली फली है, एक चेन बना के इसमें ऐसे छोटी वाली फली बनानी ऐसे, फिर ये ऐसे धागा लेके फली बनानी है ऐसे, फिर आपको ये पूरी फली बनानी है ऐसे। अब आपको 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3, अब आपको 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया, एक बार और 1 2 3, 1 2, ये ऐसे। अब आपको ये यहाँ पे जोड़ना है ऐसे, फिर आपको एक चेन बनानी और फिर यहाँ से इस वाली फली से ऐसे। देखो, पहले ये 2 धागे वाली फली, फिर ये एक धागा लेके ये तीनों एक साथ, फिर ये देखो डबल क्रोशिया 1 2, अब ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3, अब 1 2 3 4, 4 बार 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, अब आपको फिर यहाँ पे जोड़ना है यहाँ पे। देखो, इस तरह आपकी 1 2 3 4 5 6 फली बन जाएंगी। अब आपको एक चेन और एक फली, ये देखो 2 धागे वाली। अब ये धागा लेके ऐसे तीनों एक साथ, अब ये लेके 2 2 करके 2 बार 1 2, अब 2 बार 1 2 3, अब 1 2 3 बार 1 2 3 4, 1 2 3,
एक दो तीन चार। अब यहाँ पर इसमें ऐसे जोड़ना, ऐसे जोड़ दिया। अब एक चेन, अब फिर इसमें ऐसे ये ऐसे इस तरह बुनते हुए, ये आपका देखो कितना सुंदर डिज़ाइन आ रहा है। ऐसा बुनते हुए आपको ये पूरी लाइन पूरी करनी है। एक बार और समझ लीजिए, देखो सबसे पहले मैंने ये जो फली बनाई थी ये वाली, इसमें ये डिज़ाइन बना रही हूँ मैं। अब देखो ये धागा लिया मैंने, सबसे पहले दो धागे, फिर तीन धागे, फिर डबल क्रोशिया, फिर दो वाला धागा, ट्रिपल क्रोशिया, एक दो तीन, एक दो तीन। अब ये है फोर्थ, एक दो तीन चार, एक दो तीन, ये दो बार दो फली बनानी है, बाकी सबकी एक एक बनानी है ऐसे। अब इसको यहाँ पे ऐसे, फिर एक चेन और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ये पूरी लाइन पूरी कर लीजिए। देखो इस तरह आपको ये पूरी लाइन पूरी करनी है। जब आप यहाँ इसको यहाँ आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे जोड़ देना। अब मैं आपको ये दूसरा रंग लगाने का तरीका बताती हूँ। अब आपको यहाँ पर ये ऊन जोड़नी है, ऐसे, फिर एक दो चेन, एक फली। अब एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन, फिर इसमें देखो जो ये आपने चेन बनाई थी पिछली बार, पहली बार ये वाली, इसके बीच में ही आपको ऐसे निकालना, ये एक दो तीन चार पाँच, जो आप फली हैं वो तो इसमें बनाते हैं, ये चेन तो आपकी पीछे ऐसे ही रहती है, तो इसमें आपको ऐसे करना है। जब आपको इसमें आप कहीं पे दो बार भी कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर आपकी इसमें जो ये गोल घेर बनाया है इसमें झोल आ जाएगा। एक दो तीन चार पाँच, ये एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ऐसे देखो ऐसे ही आप ये जो मैंने एक में दो डाले हैं तो तीन बार डाल लेना, जैसे दो बुन के या तीन बुन के, एक एक इसमें सर्किल में दो करके, ऐसे ऐसे करना है आपको। और ये डिज़ाइन जैसे आपने पहले बनाया था वैसे ही आपको अब भी ऐसे ही बनाना है। मैं आपको ये डिज़ाइन बना के बताती हूँ। देखो आपका तो धागा यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा तो आपको जोड़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको जोड़ के बताती हूँ। देखो सबसे पहले एक चेन और इस फली में ऐसे जोड़ना, ऐसे जैसे आपने पहले बनाया था बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना, फिर ये धागा इसके ऊपर लेके ऐसे, फिर ऐसे, फिर इनको दो बार निकालना, एक दो। अब दो बार धागे लेना, एक दो तीन, अब एक दो तीन बार, एक दो तीन चार, अब फिर इसी तरह तीन बार, एक दो ऐसे, और इसको यहाँ पे जोड़ देना ये ऐसे, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे इस वाली फली में ऐसे, फिर ये इस पे लेना ऊन, फिर ऐसे तीनों धागे, फिर ऐसे ऊन लेना, फिर डबल क्रोशिया, फिर दो बार ऊन लेना, ट्रिपल क्रोशिया, ऐसे, फिर एक दो तीन, तीन बार लेना, फोर्थ, एक दो तीन चार, एक दो तीन, ये वाली फली आपको दो बार बनानी है, एक दो तीन चार। ये आपका सिंगाड़े वाला प्यारा सा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है ये ऐसे।
फिर एक चेन आपको ऐसे ही हर चेन में बनाना है। ऐसे एक बार आपको ये वाला रंग लगाना है और एक बार ये वाला रंग लगाना है। ये देखो इस तरह आपका ये डिज़ाइन पूरा बन के तैयार हो जाएगा। आप जितनी भी बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हैं इस डिज़ाइन से बना सकते हैं। अब देखो ये मैंने ठाकुर जी की प्यारी सी कैप बनाई है। इसमें मैंने सबसे पहले 5 चेन बनाई। 5 चेन बनाने के बाद मैंने पहली वाली चेन में जोड़ दिया है। उसके बाद मैंने इसमें ये फलिये भरी हैं, ये 10 फलिये हैं। और फिर मैंने इसमें हर एक फली में एक एक फली बनाई है ये इसमें, और ऐसे ही ये वाली लाइन करी है। जितनी बड़ी आपको कैप की ज़रूरत है आप उतनी बड़ी कैप बना लीजिए। और इसमें भी ये डिज़ाइन बिल्कुल सेम इसी की तरह बनाया है, बस इसमें छोटा बनाया है। इसमें पहले ये 3-3 चेन बनाकर ये लूप बनाया है, और 3 चेन के बाद ये देखो 2 फली, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल फली, और बस फिर ट्रिपल फली बनाई है और नहीं बनाई, और फिर जोड़ दिया। इस तरह आप ये प्यारी सी ठाकुर जी की कैप भी बना सकते हैं। ये वाला छोटा डिज़ाइन भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो ये मैंने 3-3 चेन बनाई थी, सब बनाई है ऐसे किया है मैंने। एक यहाँ पे बताते हैं, ये देखो इसमें बना के बता रही हूँ मैं आपको। एक 2-3 3 चेन बनाई मैंने, फिर वहाँ पे एक चेन छोड़ी और ऐसे जोड़ दिया, फिर 3 चेन 1 2 3, फिर ऐसे जोड़ दिया एक एक चेन छोड़ के। ये मैंने कैप में किया है ऐसे, फिर 1 2 3 ऐसे। अब मैं डिज़ाइन बताती हूँ। फिर मैंने यहाँ से ये मैं यहाँ तक जोड़ दूँगी उसको जब वापस आऊँगी, और फिर मैंने यहाँ पे जोड़ा है उसमें ये वाली फली में ऐसे। फिर मैंने ऐसे धागा लेके बनाई है ऐसे, फिर मैंने ये डबल क्रोशिया बनाया है ऐसे, फिर मैंने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया। ये डिज़ाइन मैंने कैप में बनाया है ऐसे। और फिर मैंने इसको ऐसे यहाँ पे जोड़ दिया ये ऐसे, और फिर एक चेन बनाई, फिर यहाँ पे सेम उसी की तरह बनाना फिर शुरू कर दिया ऐसे ये ऐसे। ये फिर इसको यहाँ पे जोड़ दिया। देखो इस तरह ये आपकी कैप में डिज़ाइन बन जाएगा आगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।